नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। जैसे कि हम सबका पता है, जब जब पूरी जगन्नाथ धाम से नकारात्मक संकेत मिलता है, तब तब पूरे विश्व उसका नतीजा भुगतता है। हाल ही में आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि पूरी जगन्नाथ धाम के जो पतित पावन बाना है, जो फ्लैग है, होली फ्लैग हम उसको मानते हैं, उसके ऊपर बैठा है चीन। तो इससे पहले भी जब जब उससे ऊपर बैठा है चीन, तो ये एक नकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है आगे समय सही नहीं है। तो इतिहास साक्षी है, जब जब पूरी जगन्नाथ पर ऐसे ऐसे नकारात्मक संकेत घटित हुई है, पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। खाली इतना ही नहीं, 2019 की बात है, जब चक्रवाती तूफान फनी के कारण पुरी में जगन्नाथ धाम में जो है कल्पवट वृक्ष आघात हुई थी, उस समय पूरा विश्व देखा था मौत का तांडव। कोरोना की बात हम कर रहे हैं। उसी के बाद जब आसमान पर चील मंडरा रहे थे, उस समय देश ने खोया एक बहुत बड़ी हस्ती को, बिपिन रावत जी की हम बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी जगन्नाथ धाम के जो होली फ्लैग है, जिसको हम कहते हैं पतित पावन बाना, उसके ऊपर जब चील बैठा है, तो क्या आने वाला समय भी सही नहीं है? इसके ऊपर है आज का चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, अभी हाल ही में सामने है रथ यात्रा 4 दिन के बाद, और अभी ठीक 4 दिन से पहले हमें देखने को मिल रहा है ये नकारात्मक संकेत, तो क्या करे आपका रिसर्च? सभी भक्तों को बार बार मेरा प्रणाम है। तो देखिए, जब भी श्री मंदिर के ऊपर हम देखे थे कभी चील उड़ता है, तो सारा देश ये अशुभ के संकेत माना जाता है। तो अशुभ संकेत से सारा देश में जो देखा जाता है कि बहुत सारा लोग चले गए हमारे, तो देखे हम छोड़कर चले गए। यहाँ उड़ीसा में भी अब देख रहे थे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो सभी श्रीमंदिर के ऊपर महाप्रभु के पास जो संकेत मिलता है, सारा विश्व वो मुसीबत भोगता है। जी बिल्कुल। तो अभी हम देखे थे जो लड़ा चक्र के ऊपर जो चील बैठे हैं, तो अच्छा अच्छा लोग संसार में चले जाएंगे। महापुरुष अच्युत आनंद जी ने लिखा था, कलयुग में जो गीत पक्षी यहाँ श्री मंदिर के ऊपर बैठेंगे, तो वहीं समय मंदिर में जो मंदिर भग्न अवस्था में चले जाएंगे, तो सभी लोग मरे जाएंगे। और वो भी अब उड़ीसा में जब भी देखे थे 1999 में, तो वही सुपर साइक्लोन वही तो हम देखे थे जी। तो वही घटना भी हम सब देखे थे, जो कलयुग में भी जब भी नकारात्मक संकेत मिलता है, तो सारा विश्व ही उस संकेत पे मुसीबत में फंसता है। तो वो भी संकेत मिल रहा है कि चील अभी बैठे लीला चक्र के ऊपर, पतित पावन बाना के ऊपर, वो भी अच्छा अच्छा लोग सत्य अब आगे आप देखेंगे बहुत सारा अच्छा अच्छा लोग चले जाएंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वही संकेत मिल रहा है। जब भी चील जो हम देखे थे नीला चक्र के ऊपर, जो हम पिछले कुछ दिनों में तो हमारे सभी लोग नौ सेना को खो दिए थे बिपिन रावत के रूप में, जो आप बताए, तो वो भी वही संकेत फिर से मिला है। ठीक है, इसके अगले दिन हुआ था। हाँ, लेकिन आगे तो रथ यात्रा के बाद में भी कुछ घटना ऐसे ही घटेगा जो महापुरुष लिखा है मालिका में, तो सच होगा कि क्योंकि उड़िया की बात है, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है, पर्वत शिखरे फुटिब भई अच्युत वचन टलिब नाहीं। इसका मतलब है सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन महापुरुष का बातें कभी झूठा नहीं होता। जब भी अच्युतानंद दास जी की जो लिखी गई मालिका की बातें कभी झूठ साबित नहीं होगा। अगले दिन में महापुरुष ने लिखा है इंटरनेट फेल होगा, बहुत सारा अच्छा अच्छा लोग हमसे गुजर जाएंगे, उसके बाद भी लोग यहाँ पे विदेश में सुनामी होगा, और जो समुद्र है वो स्थल के भाग स्पर्श करेगा, वही बात सब लिखा है मालिका में, वो भी हो रहा है। हम देखे हैं जो घर में हम किसी को नहीं मानते, जब तृतीया युग था, जंगल में भटकते थे प्रभु राम जी, तो वहाँ जानकी ने पूछा था, प्रभु राम कलयुग के आगे कलयुग है क्या होगा, तो राम जी ने बताए थे ये कलयुग में जब भी जगन्नाथ के एक मंदिर होगा, और मंदिर में जब भी कुछ भी संकेत मिलेगा, वो सारा देश नहीं सारा विश्व भोगेगा, उस
संकेत मिला तो वो सारा देश और सारा विश्व मुसीबत में फंसेगा, वही बात सच होगा। तो वो भी प्रभु राम जी ने कहे थे मसीहा से, ऐसा कलयुग आएगा बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। वही देखो अभी मोबाली का सच हो गया है, वो बच्चा अपने पिता माता को नहीं मानता है। तो सभी बातें सच है। जब इस श्री मंदिर में वा महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी संकेत मिलता है, सारा विश्व वही मुसीबत में फंसता है और मुसीबत को सभी देश और सारा विश्व वही मुसीबत को देखता है। और आगे आगे भी देखिए होता है क्या। तो उड़िया में एक बात है, ये होई नहीं किछ, ये होई नहीं किछ, देखो आगो को कौन ऊंची। जब भी संकेत कुछ मिलता है, कुछ ही अघटन वो भी हो सकता है जी। तो जैसे कि मतलब बहुत सारे मालिका जो रिसर्चर है उनका भी ये मानना है कि अभी जो हाल ही में हुई थी इंदु पर बिंदु, मतलब जो चंद्रमा थे उसके ऊपर थे एक तारा स्टार, तो वो बोलते हैं वहाँ से लेकर 182 दिन 182 डेज, वो बोले कि समय सही नहीं है, वहाँ से लेकर 182 डेज समय सही नहीं है, उड़ीसा में या फिर समग्र हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ घटना घटित होगा, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए तो ठीक वही तो हम भी बताए थे, अब उड़िया में होता वो वीडियो भी बनाए थे जी जी। तो पहले उड़िया का वो पद्य जो है बोल दीजिए, फिर हम उसका हिंदी का भाषा बताएंगे। उड़िया में लिखा है, मालिका में लिखा है, दुई सुन दुई तीन की देख एलीला होइबो जान प्रत्यक्ष। उसका मतलब है कुछ कुछ लीला होगा, 2023 में कुछ भी लीला होगा, वो लीला में जो लिखा है था वो क्या लीला होगा, जो लीला में बहुत सारा लोग मारे जाएंगे और बहुत सारा लोग मुसीबत में खो जाएंगे, हमारे इतना मुसीबत में फंस जाएंगे, बाहर जो लोग है वो घर नहीं आ पाएंगे, वो बाहर जो विदेश का लोग है वो घर नहीं आ पाएंगे, इससे समय नहीं मिलेगा, हाँ समय नहीं मिला उससे वक्त फंस जाएंगे। अभी तो हम देखें ट्रेन का ट्रेजेडी देखें, बहुत सारा बिहार का, पटना का, और जो है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो गए थे जो लोग सभी मरे गए, तो महापुरुष ने घर वापस नहीं जा पाए, परिजन जो है वहाँ पर अभी तो डेड लाश को पहचान नहीं कर पाए, अभी तो 83 डेड बॉडी लाश अभी तो बिगल रहा है और उसका पहचान नहीं मिल पा रहा है। सरकार बोल रहा है कि मतलब प्रशासन जो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको चिन्हित किया जाए या फिर उसका फिर नहीं, संस्कार हम करेंगे। हम भी प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी दुख किसी को भी ना दे, किसी को ना दे, हमारे भी किसी को मत दे। तो जब भी हम देखते हैं महाप्रभु की जगन्नाथ के मंदिर में कुछ ही घटना घटते हैं, अघटन सारा विश्व में होता है, वो अघटन फिर से आने वाले हैं, बहुत सारे लोग को सत्य होगा, हम होने वाले हैं, वही संकेत ही चील बैठा नहीं, वही संकेत मिल रहा है, बहुत सारा लोग हमसे गुजर जाएंगे। तो बाबा जी मतलब ये हाल ही में अभी देखने को मिला या फिर उससे पहले भी कभी हुई है? जब भी पहले भी हम दिखे थे, जो गिद्ध पक्षी बैठे थे वही देखे थे। कब की बात है ये? 91 में वो भी पत्थर गिरे थे। हाँ। पत्थर गिरे थे श्री मंदिर में और फनी को हमने देखे थे बहुत सारा, और विदेश में भी बहुत सारा सुनामी आए थे जी, और भी महावात्या को देखे थे, उसके भी पहले एक चील भी बैठा था, एक सेवायत में ने हमको बताए थे कि बाबा उसके दिन तो इससे तरह मीडिया नहीं थे ना, तो अच्छा लगभग आज से 20 साल पहले की बात हाँ, है। उनका बताया था उन्होंने? हाँ, तो वो सेवायत में हम लोग को बताए थे कि हम जब भी मंदिर में सेवा करने आते थे तो शाम के समय एक चील ने बैठा था नील चक्र के ऊपर, हम भी उसी वक्त भी महाप्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, सेवायत में कहते हैं प्रभु विश्व को संकट मत दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके जो लक्षण यहाँ दिखता है वहाँ सारा विश्व में वो लक्षण दिखता है, प्रभु वो सेवायत में हाथ जोड़कर महाप्रभु को प्रार्थना की थी। उसके बाद आपने देखा जो भी उड़ीसा के खंड प्रलय हो गया और प्रयाग में सुपर साइक्लोन था, बहुत सारे लोग मारे गए, जब भी जगन्नाथ के पास कुछ भी घटना हम देखते हैं सारा विश्व वही घटना के दुर्घटना में बदल जाता है। सुपर साइक्लोन की बात मुझे याद है, सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है नहीं कितने है। लोगों की मौत हुई है, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। वही जगन्नाथ के पास घटना देखेंगे वहाँ दुर्घटना देखेंगे, वो भी मिलता है मालिका में भी लिखा है, महाप्रभु जगन्नाथ और विश्व का सारा विश्व मानते हैं जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ के नील चक्र
जो है, जो बाहर के लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो मंदिर के अंदर नहीं जाते तो नीलचक्र के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सभी लोग, और जो भोग लाते हैं महाप्रभु नीलचक्र के ऊपर वही टेक देते हैं महाप्रभु के ऊपर ला जाते हैं, तो वही भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो उसके तो यही सब है महाप्रभु के, तो उसके ऊपर एक मांसाशी प्राणी जीव, और जो मांसाशी जीव बैठे हैं वही दुर्घटना है और बहुत सारे लोग मरे जाएंगे, क्योंकि हम पिछले दिनों में वही बात ही दिखा। तो मतलब ये एक नेगेटिव साइन है, एक नेगेटिव है, नकारात्मक। तो सभी लोग देखें, हम तो यहाँ बोल देते हैं, लोग तो परिहास करेंगे, देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। जी बिल्कुल, बस एक ही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं वीडियो स्टॉप करूँगा। अभी चल रहा है देखिए साल 2023, जैसे कि विशेषज्ञों का ये मानना है, जो मालिका के हमारे विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है, शताब्दी का सबसे खराब वर्ष माना जाएगा 2023 को। 2023 में आप देखिए, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट और बहुत जगह बड़े बड़े अग्निकांड, फायर एक्सीडेंट, ये सब चलता आ रहा है। आधा वर्ष गुजर गया है और आधा वर्ष बाकी है। तो सच में क्या मतलब ये नकारात्मक संकेत जब मिल रहा है, तो आधा वर्ष जो आने वाला जो आधा वर्ष है वो क्या हमारा नींद खराब कर देगा? जरूर, देखिए आगे देखिए, आपका जो अब हमको पूछते थे, जो कमेंट बॉक्स में भी पूछते थे, तो क्या होगा 2023 में, हम बताएंगे आपको 2023 में। महापुरुष अच्युतानंद मालिका में भी लिखा है, अगले दिन तो कुछ तो गुजर गया है वो अच्छा नहीं, बहुत लोग उलझन में फंसेंगे, बाहर जो विदेश में हो वो घर लौट नहीं पाएंगे, उसके बाद महामारी भी आएगा, महामारी भी आएगा, सुनामी भी होगा और भूकंप भी होगा, भूकंप भी होगा, वो भी मालिका में लिखा है, भूकंप भी होगा और 2023 में, ये लिख कर रखिए। हम तो इस तरह है बता रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं मालिका के, बहुत सारा ग्रंथ है हमारे पास, वो भी आप दर्शकों को हम दिखाएंगे, कब जो पोथी है हमारे पास वो भी दर्शकों को दिखाएंगे, वो पोथी में लिखा है 2023 ठीक से नहीं गुजरेगा, बहुत सारा लोग का लोग हमसे गुजर जाएंगे, बाहर मान्य मान्य लोग भी गुजर जाएंगे और बहुत सारा हादसा होने वाला है यहाँ 2023 में। और जो कुछ तो चले गए, हम देखें ट्रेन का ट्रेजेडी देखें, सभी बहुत सारा दुख ही मिला है लोगों को, और अपने अपने से अपना लोग ही बिछड़ गए, तो आगे के दिन बहुत कुछ ही अच्छा नहीं है। इसलिए आपको हम इस चैनल से आपको बोल रहे हैं, आप महाप्रभु को प्रार्थना करिए और घर में बैठकर सत्संग कीजिए, हरी कथा सुनिए और हिंसा छोड़कर और सभी भगवत नाम के आश्रम में रहिए और प्रभु को भजन करने में लग जाइए, क्योंकि अगले दिन बहुत खराब है। जी तो बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जो भक्त हैं उनको बहुत ही बढ़िया संदेश आपने दिए इस वीडियो के माध्यम से। अभी आप सुन रहे थे मालिका रिसर्चर जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज जी। महाराज जी ने ये बोल रहे हैं कि आने वाला समय सही नहीं है, तो हम ये सब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मालिका हमेशा समाज को एक सचेतनता की वार्ता दिया है और वही हम आपके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना मत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।